दोस्तों नमस्कार। आज हम याद करेंगे भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और उनके कैपिटल। देख काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और याद करना मुश्किल होता है। एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करा दूंगा, बहुत ही आसान ट्रिक है। सब कैपिटल आपकी उंगलियों पर याद हो जाएंगी। तो देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं वो दिख रहे होंगे आपको, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, सिक्किम, ये सब नॉर्थ ईस्ट के हैं। तो पहला है हमारा अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल उसकी ईटानगर। तो एक छोटी सी कहानी आपको याद रखनी है, अरुण और आचल। अरुण एक लड़का था, आचल एक लड़की थी। अरुण ने आचल को छेड़ा तो आचल ने क्या करा, अरुण की ईंट मार दी, तो कैपिटल हो गई ईटानगर। इसी तरह फिर अब अरुण को गुस्सा है तो वो उसने क्या करा, कुछ सिक्के खर्च किए और अपना गैंग बुला कर लाया, तो सिक्किम से हो जाएगी गैंगटॉक। तो ये थी सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक। क्योंकि देखिए जब भी कोई लड़ाई होती है तो अपना जो है दूसरा गैंग लेकर आता है। फिर आपकी आएगी असम, असम का हो जाएगा गुवाहाटी। तब इनका सुलह कराने के लिए आशा बीच में आई और उसने दोनों को गोवा भेज दिया, तो असम से हो जाएगी गुवाहाटी। आशा ने क्या करा, दोनों की सुलह करा दी लड़ाई की। उसके बाद आया दूसरी कहानी, दूसरी कहानी है मणि। मणि क्या होती है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मणिपुर हो जाएगा इम्फाल। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है मनी, तो राम ने क्या करा, आयजा के साथ राम और आयजा दोनों अपनी जो मनी इम्पॉर्टेंट थी उसको एक बहुत बड़े यानी कि पूरा बड़ा ताला लेकर मनी जो उनकी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उसको रख दिया। तो त्रिपुरा की हो जाएगी अगरतला, यानी कि त्रिपुरा की अगरतला। मनी राम और आयजा ने अपना एक ताला लगा कर रख दिया, यानी कि त्रिपुरा का अगरतला। अब जो है मनी रखने के बाद जैसे ही वो अपने वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनको मेघ यानी कि बादल, बहुत लंबे लंबे बादल, यानी कि शिलोंग। मेघालय की कैपिटल रहेगी शिलोंग, यानी कि लंबे लंबे बादल उनको घेर लिया था। तो राम ने कहा कि कोई बात नहीं, हम फिर भी घर जाएंगे, तो लैंड के माध्यम से हम घर जाएंगे, यानी कि ज़मीन पर चल के हम जाएंगे। तो नागालैंड की हो जाएगी कोहिमा, यानी कि कोई बात नहीं। तो ये थी छोटी सी ट्रिक। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।